धन्यवाद धन्यवाद माननीय डॉक्टर भीम सिंह जी। माननीय श्री राजीव शुक्ला, माननीय राजीव शुक्ला नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री समीरुल इस्लाम, माननीय श्री समीरुल इस्लाम नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री के आर राजेश कुमार, माननीय श्री के आर एन राजेश कुमार नॉट प्रेजेंट। श्रीमती ममता मोहंता, श्रीमती ममता मोहंता नॉट प्रेजेंट। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूँ और आज आपका जन्मदिन है उसके लिए भी मैं वैयक्तिक कल है इसलिए आज बधाई देता हूँ इन एडवांस। बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में शुरुआत में ही चुनाव आयोग की बड़ी प्रशंसा की और जो भी हमारी सार्वभौम संस्थाएं हैं उसके पीछे मजबूती से खड़ा रहना ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देखने को मिला है। क्योंकि ये चुनाव आयोग ऐसा बन गया था कि विपक्षी लोगों को उसके ऊपर टीका करना, उसकी आलोचना करना वो उनका धर्म बन गया था। लेकिन इतने बड़े देश में इतना अच्छे से पूरा लोकसभा का चुनाव का संचालन करना और चुनाव का संचालन करने के बाद में कहीं पे भी बड़ी हिंसा न होते हुए भी जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में 370 कलम निकालने के बाद में सबसे ज़्यादा वोट का परसेंटेज पाने का यशस्वी आयोजन चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। रिजल्ट भी ऐसे आए कि जो वो तो ईवीएम बेचारी बच गई, यानी ईवीएम की ज़्यादा से ज़्यादा आलोचना होती थी वो ईवीएम रोने लगती थी कि मैं ईमानदार हूँ, मैं प्रामाणिक हूँ, जितने वोट यहाँ इसके बटन दबाए जाते हैं उतना ही मैं दिखाती हूँ। लेकिन जीत गए तो लोकशाही की जीत, हार गए तो ईवीएम के सर पे ठिकरा फोड़ा जाता था। लेकिन इस वक्त ईवीएम रहे, चुनाव आयोग रहे, चुनाव कंडक्ट करने वाले कर्मचारी रहे, सभी लोगों के धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी ने दिए हैं। मैं सच में उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विरोधी लोगों से यह बोलना चाहता हूँ कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी आलोचना करते हुए यह सोचे कि अब हमारे देश को चलाने वाले ये स्तंभ है, क्योंकि ये जन्म भर भ्रष्टाचार करेंगे और पकड़े गए तो ईडी को गाली देंगे, जन्म भर गलत काम करेंगे उनका इन्वेस्टिगेशन हो गया तो सीबीआई को गाली देंगे। उतना ही इतना इनका तो स्वभाव ऐसा बना हुआ है कि न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी उसकी आलोचना करने के लिए वो कहीं पीछे नहीं हटते। माननीय उपसभापति महोदय, इस चुनाव में अभी सभापति जी ने बड़ा दुख जताया और सच में वो दुख था कि लीडर ऑफ अपोजिशन वेल में आए, सभी लोगों ने देखा, यह पहली बार देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन वेल में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो दुख प्रकट किया वो दुख प्रकट किया कि बाहर जाने के बाद में जब वो मीडिया के सामने बोलते हैं तो उनके मुंह से, सभापति जी के मुंह से वह शब्द भी नहीं निकल रहे थे कि दैट वॉज द अनट्रूथ, झूठा बोल रहे थे। तो ये झूठ बोलने की आदत कांग्रेस को तो इतनी लग गई है, इतनी कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत लग गई कि हमारे बहनों से इतना झूठ बोला गया कि उन्होंने बार बार बताया। मैं आपको बताता हूँ, झूठे प्रलोभन देने की आदत इतनी लग गई कि सभी जगह पे जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े थे
वहाँ बहनों के पास जाके, हमारे सिस्टर लोगों के पास जाके वो बोलते थे कि एक फॉर्म भरो, हमने फॉर्म छपवाए हैं, आप ये फॉर्म भरेंगे, 4 तारीख को रिजल्ट लगेगा और 5 तारीख को आपके खाते में आएंगे 8,500 रुपये, खटाखट 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 रुपए आएंगे। अब ऐसी बात हो गई कि बहुत 100 जगह पे कांग्रेस के उम्मीदवार चुन के आ गए, अब महिलाएं जा रही कांग्रेस के ऑफिस में, अब महिलाएं जा रही सांसद के ऑफिस में, उनको बोल रही आपको तो चुन के दिया, 5 तारीख भी आ गई, अब हमारे पैसे निकालो फटाफट फटाफट फटाफट, पूछ रहे कि अब हमारे पैसे निकालो फटाफट फटाफट। लेकिन वहां से कांग्रेस वाले भाग रहे, सभापति जी वो महिलाओं का दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रलोभन दिया गया कि 8,500 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे, हमारा सांसद चुन के दो, उन्होंने चुन के दिया। मैं आपसे अपील करता हूं, क्योंकि कांग्रेस वाले तो ऑफिस से भाग रहे सटासट सटासट सटासट, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि इनका इलेक्शन कैंसिल करो फटाफट फटाफट फटाफट, सच में, क्योंकि जो प्रलोभन देने के बाद में वोट, प्रलोभन देने के बाद में वोट लेता है तो ये चुनाव का आचार संहिता का भंग है। अब ये आचार संहिता का भंग है तो इसके ऊपर एक्शन होनी ही चाहिए, और मैं देश के सर्वोच्च सभागृह में मैं यह मांग कर रहा हूं कि जहां जहां प्रलोभन दिया है, अच्छा गरीब महिलाएं हैं, विशेषता उसमें मुस्लिम महिलाएं ज्यादा हैं, और 87% वोटिंग मुस्लिम महिलाओं का हुआ है, पूरे ताकत से लाइन में लगी थी, उनको मालूम था कि कांग्रेस का बंदा हम चुन के देंगे तो 8,500 रुपए आएंगे हमारे खाते में खटाखट खटाखट खटाखट, क्योंकि उनका वो नेता ही बोल रहा था हर सभा में, हमारे यहाँ भी अमरावती में आया था तो वहां से ही शुरुआत की कि तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे 8,500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। अब मेरा यही कहना है कि आपके माध्यम से मैं चुनाव आयोग की तरफ भी अपील करता हूँ कि यह जो प्रलोभन दिया गया है, इस प्रलोभन के ऊपर क्या क्या उपाय योजना की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण बात 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुई, वो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने, क्योंकि मैं ग्रामीण इलाकों से आता हूँ, मैं किसान का लड़का हूँ और ग्रामीण इलाकों में रहता हूँ। मुझे याद है कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब इंदिरा आवास योजना दी गई थी, वो इंदिरा आवास योजना कुछ अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाति के लोगों को दी जाती थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों का किसान, छोटा किसान, मजदूर, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस का था, ओपन का था, मुस्लिम था, बौद्ध था और सभी जातियों का था, लेकिन बात ऐसी थी कि उनको घर भी नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इलाकों में रहे या ग्रामीण इलाकों में रहे, 4.5 करोड़ घरकुल बने गए, 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ को पक्का मकान मिल गया, पक्का मकान मिल गया, इससे पूरा जीवन बदलता है, क्योंकि जीवन जो जीता है अपने कच्चे घरों में, बारिश के वक्त जब पानी टपकता है तब वो लड़का कैसा पढ़ाई करता होगा, बारिश के वक्त जब पानी टपकता है तो वहाँ बिजली नहीं रह सकती, वहाँ सोने की दिक्कत रहती थी, लेकिन आज कोई भी गांव में जाके देखो, कोई भी गांव में जाके देखो, दुख रहता था ओबीसी का कि सभी को घर मिलते हमें नहीं मिलता, लेकिन आज ओबीसी रहे, एससी रहे, एसटी रहे, उनको प्रधानमंत्री आवास का घर मिला है। जो लोग बचे थे ग्राम पंचायत को न्योता भेजा गया कि आप एडिशनल लिस्ट दीजिए, और प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र जी मोदी इनके तीसरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि जो बचे हुए 3 करोड़ कुटुंब फैमिली जो है उनको भी अपने हक का घर मिलेगा। अच्छा घर तो मिला ही मिला, यूनिसेफ कहती है कि भारत में 10 लाख बच्चे हर साल मरते थे,
हर साल मरते थे सिर्फ डायरिया की वजह से। डायरिया इसलिए होता था कि पानी शुद्ध नहीं मिलता था। आज हर घर जल के माध्यम से, प्रधानमंत्री जल मिशन के माध्यम से हर घर तक शुद्ध किया हुआ पानी पहुंच रहा है। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को जो चार चार पाँच पाँच किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, पानी के लिए जाना पड़ता था, वो तो बची गया, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा पानी अच्छी तरह से मिल रहा है। फ्लूरोसिस की बीमारी बहुत सारे जगह पे थी, फ्लूरोसिस की बीमारी बहुत सारे जगह पे थी, और वो फ्लूरोसिस से हमारे बच्चे, हमारी बहनें और हमारी पीढ़ी वो बच रही है सिर्फ पानी की व्यवस्था करने के बाद। 80 करोड़ लोगों को राशन मिला हो तो पता ही है, लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे गए हैं उनको भी राशन कंटिन्यू करना, यानी डबल से वो गरीबी रेखा के अंदर न जाए, यह महत्वपूर्ण पहल कदम सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उसका उल्लेख किया गया है, किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, मोदी जी आने के पहले 2014 के पहले बहुत सारे गांव तो ऐसे थे कि वहां तक बिजली भी पहुंची नहीं थी, लेकिन 100% सैचुरेशन बिजली पहुंचाने का किया गया मोदी जी के कार्यकाल में। लेकिन बिल तो, बिजली तो आ गई, लेकिन बिल तो भरना है, और बिल भरते वक्त राष्ट्र का बिजली का उत्पादन भी बढ़ाना है, जीरो न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करना है, ग्रीन एनर्जी भी मेंटेन करना है, तो हर घर के ऊपर सोलर लगाना, 78,000 तक सब्सिडी देना, और उसके लिए 1 करोड़ आवेदन अभी तक प्राप्त हुए। आगे के समय पे हर गांव में जिनका जिनका घरकुल बनाए उसके ऊपर सोलर लग गया तो उसका बिजली का बिल नील हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत किसान को, या तो किसानी मजदूरी करने वाले को, गांव में रहने वाले गरीब को हर महीने जो बिजली का बिल भरा जाना पड़ता है, या तो भरा नहीं तो उसकी बिजली कट होती है, उससे बच सकेगा। और दोनों भी, मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि सिर्फ मुफ्त नहीं, मुफ्त के साथ साथ खुद ही बिजली निर्माण करो, खुद की बिजली निर्माण करो और खुद ही उसका वापर करो। अध्यक्ष महोदय, ये रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए हमारे किसान को पीएम किसान का जो इंस्टॉलमेंट दिया गया है, यानी प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद में सबसे पहला काम किया होगा तो वो किसानों का किया कि 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए की 10 करोड़ किसानों के खाते में एक बटन दबा के, मैं इसके लिए खटाखट खटाखट नहीं बोलने वाला हूं, इसके लिए मैं खटाखट नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि 17वीं किस्त है, एक बटन दबाने के बाद में फट से वो किसान के मोबाइल में मैसेज आता है कि यू हैव रिसीव्ड 2000 रुपीज, यानी 2 पूरे करोड़ों किसानों को एक साथ मैसेज आता है 2000 रुपए मिल गए। एक बार नहीं, 17 बार, 17वीं किस्त यानी वो 17वां इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज हम दाल इंपोर्ट करते, आज हम ऑयल सीड्स इंपोर्ट करते, और अभी कृषि मंत्री जी भी बहुत अच्छे, शिवराज सिंह जी है, और उम्मीद है, और उन्होंने भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी जो लिखा है कि दाल और ऑयल सीड्स में हम सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, यानी हमारा ही उत्पाद उतना हो जाएगा, क्योंकि हम किसानों को उसका उसके लिए प्रोत्साहित करने की घोषणा भी इस अभिभाषण में की है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसानों का जो उत्पाद का खर्चा है वो खर्चा कम करने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा सकती है, उसके लिए जो 2014 से जो प्रयास किए जा रहे हैं, यानी ड्रिप के ऊपर सब्सिडी रहे या बिजली के ऊपर सब्सिडी रहे, कृषि पंप को सोलर का एप्लीकेशन रहे, या उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा खर्चा होता है खाद के ऊपर,
यूरिया और डीएपी के ऊपर सब्सिडी कायम रख के हर एक यूरिया के ऊपर भी सब्सिडी और डीएपी के ऊपर भी सब्सिडी कायम रखने के बाद में जो यूरिया का बोरा 300 रुपए से 2200 रुपए तक जाने वाला था उसके भाव वही के वही रहे, क्योंकि इतनी सब्सिडी वो कायम रखी गई। और उससे अलावा अभी जो प्रसार और प्रचार हम कर रहे कि जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है वो डिमांड को ज़्यादा उसका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के सच में किसानों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ कि श्री अन्न को यानी मिलेट्स को जो सम्मान मिला है वो आज तक कोई गवर्नमेंट में मिला नहीं। और उसके वजह से जो दूर का इलाका था, आदिवासियों का इलाका था, या जहाँ सिंचन नहीं हो सकता था, कम पानी रहता था, स्केयरसिटी ऑफ वाटर है, वहाँ मिलेट्स बाजरी रहे, ज्वार रहे, रागी रहे, ये सब मिलेट्स जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट बड़ी मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट बड़े मात्रा में है, आयरन बड़े मात्रा में है, विटामिन्स बड़े मात्रा में है, यह मिलेट्स का प्रोडक्शन लेने के लिए किसान भी प्रोत्साहित हुए। और आज पूरी दुनिया में 5-स्टार होटल में भी जाएंगे तो आपको ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी आज मिलती है और उसकी भी डिमांड अच्छे से बढ़ रही है। आज मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे विदर्भ में बड़ी संख्या में ज्वार होती है, ज्वार का उत्पादन अच्छा हुआ, लेकिन ज्वार का MSP से रेट, मार्केट रेट बहुत कम था। और इसलिए मैंने नए कृषि मंत्री जी से विनती की और उन्होंने 6 लाख क्विंटल का शासकीय खरीदी करने की घोषणा की और उसकी भी मुदत बढ़ाई, 31 जुलाई तक मुदत बढ़ाई। यानी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात मिलेट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात कि गो आधारित प्राकृतिक खेती, गो आधारित प्राकृतिक खेती यह इम्पोर्टेंट सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हम सबके लिए है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में डाले गए इंसेक्टिसाइड, ज़्यादा मात्रा में डाले गए केमिकल फर्टिलाइजर, ये डायबिटीज़ रहे, हाइपरटेंशन रहे या कैंसर रहे, ये सब बीमारियों के लिए कारणीभूत। हमें पता है कि पंजाब से दिल्ली में कैंसर ट्रेन आती है, पंजाब से दिल्ली में कैंसर ट्रेन आती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव होता है। अब ऐसे इसमें गो आधारित प्राकृतिक खेती को चालना दी गई तो जो आज हमें तकलीफ हो रही है, पूरी हमारी सॉइल उसका कार्बन परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। नॉर्मली 1% कार्बन रहना चाहिए, लेकिन हम 0.40 से कम आ रहे, उसके वजह से हमारी खेती बंजर बनते जा रही। और गो आधारित नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती के माध्यम से जीवाणु की क्षमता ज़्यादा बढ़ती है, जीवाणु का नंबर ज़्यादा बढ़ता है, केचुए ज़्यादा पैदा होते हैं, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल बनती है, सॉइल ज़्यादा पोरस बनती है, जो भी बारिश होती है वो भी बारिश वो पोरस होने के कारण उसका एब्सॉर्प्शन अच्छी तरह से होता है। यानी जो जल संधारण हम बोलते हैं, जो आज मूडी का रिपोर्ट था कि कुछ सालों के बाद में 2030 और 2050 के बीच में हमारे यहाँ पे वाटर स्केयरसिटी होगी, तो वाटर स्केयरसिटी दूर करने के लिए जो जल संधारण करना है उसके लिए भी प्राकृतिक खेती, गो आधारित प्राकृतिक खेती बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गो आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो जीवाणु वहाँ पे निर्माण हो गए वो कैटेलिस्ट करके एक्ट करते, कार्बन बढ़ाते हैं और उसके वजह से हवा में जो नाइट्रोजन रहता है वो नाइट्रोजन भी फिक्स करते और उसके वजह से यूरिया वगैरह डालने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो खेती का उत्पादन का खर्चा भी कम होता है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ तथा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्राकृतिक खेती का उल्लेख आया उसके लिए भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो चिंता है देश के सामने है, किसानों के सामने, कि उत्पाद खर्चा कैसा कम करें, तो यह उत्पाद खर्चा कम करने का भी उन्होंने
उसका उल्लेख किया है और उसको भी प्रोत्साहन अच्छे से मिल रहा है। भारत की परंपरा है, आरोग्य की भी परंपरा है। भारत का आयुष, आयुर्वेदा और योगा, यह तो जीवन का अंग होना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद और योगा गलती से वो धर्म से जोड़ा गया है कि ये हिंदू धर्म की देन है। नहीं, ये सनातन की देन है, ये तो जीवन जीने की पद्धति है। और इसलिए योगा और आयुर्वेदा तो पूरे दुनिया का हक है उसका। सर्वे संतु निरामया, एक एक देश का, एक जाति का, एक धर्म का उसके ऊपर अधिकार नहीं है। लेकिन इसका प्रसार और प्रचार, इसका प्रसार और प्रचार सभी देशों में करना, यह इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिसके ऊपर एलोपैथी काम ही नहीं करती, लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं कि ये आयुर्वेदा के माध्यम से वो अच्छी तरह से ठीक हो सकती है, योगा के माध्यम से ठीक हो सकती है। जब पूरे दुनिया में झगड़े बढ़ रहे हैं, जब पूरे दुनिया में वॉर्स बढ़ रही है, जब पूरी दुनिया में अंतर मन में भी झगड़े बढ़ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट की संख्या बढ़ रही है, घर घर में कलह हो रहा है, मियाँ बीबी में कलह हो रहा है, बच्चे और बाप में कलह हो रहा है, उसके लिए योगा और आयुर्वेदा ये दोनों भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया, उसकी मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। सभापति महोदय, महिलाओं के तरफ जो दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए था, पिछले सालों में महिलाओं के तरफ दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, लेकिन सनातन में यत्र नारेस्तु पूजते तत्र देवता रमन्ति, तो भगवान भी वहाँ ही रहता है जहाँ नारी की पूजा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने हर एक भी मौका नहीं छोड़ा कि जिसमें हमारे महिलाओं का, हमारे भगिनियों का, हमारे बहनों का, हमारे माताओं का सक्षमीकरण करना हो, क्योंकि सभी ने यही सभागृह में देखा है कि नारी शक्ति अभिनंदन विधेयक, सशक्तिकरण विधेयक, जिसमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो तो पारित हुआ, लेकिन हमारी ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, हमारी ग्रामीण इलाकों की महिलाएं जिनके सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो खेती करती है, खेती में काम करती है, उनको कृषि सखी, कितनी कृषि सखी, 30,000 कृषि सखी प्रशिक्षित हुई है, 30,000 कृषि सखी गाइड कर करती है, किसानों को गाइड करती है कि कैसा अपने पूरा खर्चा कैसा लिखना चाहिए, पूरा कौन सा खाद देना चाहिए, और आपका ग्रुप बना तो डायरेक्टली आप कंपनी से डील कर सकते हैं, आप कौन सा बीज ले सकते हैं, इसके बारे में गाइडेंस करने के लिए आज 30,000 कृषि सखी का ट्रेनिंग समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें। अच्छा, एग्रीकल्चर पॉलिसी में दिया गया है नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से आज हमारी बेटियां पायलट बन रही है, लखपति दीदी के माध्यम से हमारी दीदियां लखपति बन रही है, और इसी वजह से ग्रामीण इलाका सुखी हो, ग्रामीण इलाका, ग्रामीण रूरल एरिया जो है, रूरल एरिया सुखी रहा तो पूरी दुनिया, किसान सुखी रहा तो पूरी दुनिया सुखी रह सकती। क्या हुआ, कांग्रेस के जमाने में ग्रामीण इलाकों का निग्लिजेंस, उसके वजह से शिफ्ट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया हो गया, और ग्रामीण में जो अच्छी तरह से रह रहा था, खुली हवा में जी रहा था, उसको शहर के गंदी नाली के पास झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। तो ये डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हो गई, ये डेमोग्राफिक शिफ्ट रोकना जरूरी है, इसलिए रूरल एरिया में सभी चीजें उतनी हो जितनी अर्बन एरिया में, यानी आपका 5G नेट हो तो वो भी ग्रामीण में रहना चाहिए, ग्रामीण का लड़का भी 5G नेट से वहाँ से ही वर्क फ्रॉम द होम करने की वो कैपेसिटी रखता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहने के बाद में वहाँ से ही प्रोग्राम भेज सकता है, खेती किसान को जो भी प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस है, वो भी पता चलना चाहिए, ग्रामीण की व्यवस्था भी, एजुकेशन की व्यवस्था भी होना चाहिए,
और मैं एक खुशी से बताता हूं कि मोदी जी के सरकार में गांव गांव तक रास्ते भी अच्छे बने, गांव गांव तक रास्ते अच्छे बने, वो पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रहो या जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रहो, अप्रोच इजी हो गया और उसके वजह से आरोग्य की सुविधाएं भी अच्छी बढ़ी। और आज लोग चाहते हैं कि मैं 25 किलोमीटर दूर के गांव से हूँ, वहाँ ही रहूँ, वहाँ ही खेती करूँ, कम खर्चे में मेरा गुजारा हो सकता है, अच्छे एटमॉस्फेयर में मैं रह सकता है। तो ये डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हो रही थी वो रोकने के लिए, स्थलांतर रोकने के लिए भी जो प्रावधान ग्रामीण एरिया को जो सशक्त बनाने का प्रावधान इस अभिभाषण में किया है उसकी भी मैं सराहना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज जो जिनको राष्ट्र संत कहा जाता था वो कहते थे कि तन मन धन से सदा सुखी हो, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा, विजयी हो भारत देश हमारा। इस अभिभाषण में यानी मिलिट्री से लेके डिफेंस से लेके इंटरनल सिक्योरिटी से लेके एक्सटर्नल अफेयर से लेके भारत, विकसित भारत कैसा नजर आएगा उसका पूरा चित्र इस अभिभाषण में दिया गया। अनफॉर्चुनेट पार्ट ऐसा है कि अपोजिशन रहे तो अपोजिशन का भी कंट्रीब्यूशन विकसित भारत में मिलना चाहिए। और इसमें तो नीट का भी उल्लेख, यानी नीट का डायरेक्ट नहीं लेकिन जो एग्जाम होती है युवाओं की उसके ऊपर भी चिंता राष्ट्रपति जी ने व्यक्त की है, यानी कोई पार्ट अनछुआ नहीं रखा। और इसलिए मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। अपनी बात पूरी कहें और भी कुछ कहना चाहें तो। अच्छा तो हाँ नहीं है बहुत सारी नहीं हुआ नहीं पूरा कर लेता हूँ। सभापति महोदय महत्वपूर्ण बात ऐसी थी कि इंडियन पिनल कोड यानी जो भी अपराध करेगा उसको दंड सहिता, लेकिन दंड मिलता था लेकिन न्याय नहीं मिलता था, दंड मिलता था लेकिन न्याय नहीं मिलता था। उस वक्त ठीक है अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोग दंड के काबिल है, न्याय के काबिल नहीं है, लेकिन इतने सालों के बाद में हम न्याय की प्रतीक्षा में रहे। और पिछले ही सेशन में हमें बहुत अच्छा मौका मिला कि भारत आईपीसी के जगह पे भारत न्याय संहिता यह इसको पारित किया गया। और एक अच्छी बात हुई कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता यह अमल में आ जाएगी। ये समप करना चाहता हूँ, ये इतनी अच्छी बात है कि भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से जो गुलामी हमारे ऊपर दंड के द्वारा लादी गई थी वो गुलामी हमने बाजू में कर दी। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी के सर्वपूर्ण अभिभाषण का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।